हेलो फ्रेंड, वेलकम टू न्यू वीडियो। और कल जो पार्थ ने स्कूल में परफॉर्मेंस दी उसकी सबने इतनी तारीफ़ की है। जितने भी रिलेटिव हैं, जितने भी दोस्त हैं, सब ने जितने भी वीडियो देखी और फोटो देखी पार्थ की, सबने बहुत तारीफ़ की। बहुत सुंदर लग रहा है और इतने कॉन्फिडेंट होकर उसने परफॉर्मेंस दी थी कि मज़ा आ गया। मतलब कल उसने दिन बना दिया हमारा, सो बहुत अच्छा रहा। और आज एक चीज़ मंगाई थी, मतलब ऑर्डर की थी, तो वो आ गई। उसकी भी अनबॉक्सिंग करनी है अभी। और उसके बाद आज है ट्यूसडे, सो मंदिर जाएंगे। आज मौसम बहुत बहुत चुम्बेश्वर मौसम है। आप भी जाओगे मंदिर? बाबू भी मंदिर जाएगा अगर पानी बंद होता है तो। मतलब बहुत शानदार हवा चल रही है। सो आगे वीडियो में बने रहिए। वंस अगैन वेलकम टू न्यू वीडियो। तो ये पार्सल हमारे पास 2 दिन पहले आ गया था, बट ये किसी की और की शॉप में रखा था, इसलिए आज ये अनबॉक्स कर रहे हैं। इसका अनबॉक्सिंग कर रही है प्रियंका। सो खोलो। तो इन मैडम को ये एक छोटा सा पार्सल खोलने में इतना टाइम लग रहा है। और ये है हमारा बाबू, जिसने कल बहुत अच्छी और कुकर पे आ गई है सीटी। आज मौसम को देखते हुए बनेंगे आलू के मस्त पराठे। और मेरी डाइटिंग की बहुत दिन से वाट लग रही है। आज खोल दोगे क्या? नहीं। सो दिस इज़ द पार्सल, एक रिंग लाइट एंड ट्राइपॉड। इसको अभी सेटअप करके फिर आपको दिखाते हैं। सो दिस इज़ आर न्यू ट्राइपॉड और ये रिंग लाइट के साथ में। और रिंग लाइट ऑन करके दिखा प्रियंका, एक सेकेंड। ये और इसकी कलर भी चेंज होते हैं। कैमरे में कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा। ये मतलब बेस्ट, ग्रेट सक्सेस, अमृत ट्रिप पे काम आएंगे ये सब चीज़। और ये इसने अपने पार्लर के लिए मंगाया है, वहाँ पे फोटो शूट करेगी जो भी दुल्हन तैयार होने आती है, इसलिए ये इतना खुश हो रही है इस टाइप से मस्त। अंदर अनबॉक्सिंग के बाद अब टाइम है नहाने का। और मेरे पीछे वो पार्थ झूला झूल रहा है, साड़ी का झूला डाला है हमने, जो लोहे का जाल होता है उसके ऊपर। और मौसम बहुत ही शानदार हो रहा है, हवा चल रही है शानदार। अगर पानी नहीं बरसता है तो मैं बाइक से मंदिर जाऊंगा, अगर बरसेगा तो ऑफ कोर्स घर भी पूजा करनी पड़ेगी। तो मौसम को देखते हुए मैं तो रेडी हो गया हूँ, मतलब मौसम को देखते हुए नहीं। और ये बिना नहाए रेडी है, इसको नहला नहीं रहे हैं बिकॉज मौसम बहुत ठंडा है। और ये रेनी सीजन में पावर कट का इतना प्रॉब्लम चल रहा है ना कि रात से लाइट गोल है और इन्वर्टर भी ठप हो चुका है। सो बिल्कुल ब्लैकआउट, दिन में ब्लैकआउट हो गया है। और अभी मैं और पार जाने वाले थे मंदिर, बट प्लान में सडनली चेंज हो गया। मेरे को तैयार होते देख जो घर में 2 लेडीज हैं, मतलब एक सुरभि एक प्रियंका, उनका भी मन हो गया। सो वो भी रेडी हो रही है, फिर उसके बाद जाएंगे मंदिर बिकॉज बारिश नहीं हो रही है और हवा बहुत शानदार चल रही है। सो हम आ गए हैं जोरासी मंदिर, पूजा हो गई संपन्न। रोज़ की तरह, मतलब हर बार की तरह इस बार मंगलवार को भी पूजा करने आए थे। और मुझे बेसब्री से इंतजार है इस मंदिर का कि ये मंदिर कब पूरा होगा। बहुत ही विशाल और बहुत ही ह्यूज मंदिर बन रहा है, महालक्ष्मी जी का मंदिर बन रहा है ये। अब बारिश का सीन ऐसा ही होता है कि हम लोग जब घर के अंदर थे तो बारिश नहीं थी बिल्कुल, और जैसे ही घर से निकले रास्ते में थोड़ी सी बारिश मिली, हल्के से गीले हो गए। अब वापस घर जा रहे हैं, प्रियंका पार्थ और सुरभि तीनों लोग आए हैं। अंदर सुंदरकांड चल रहा है हनुमान जी के मंदिर के अंदर। क्या कहते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं, सॉरी मैं फंबल मार रहा हूँ बहुत, पता नहीं क्यों। तो बोलिए जय श्री राम। मेरे घर से और जोरासी के रास्ते के बीच में एक मंदिर और पड़ता है, रूंद वाले हनुमान जी, वहाँ मैं वहाँ पे भी जाता हूँ बट आज नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि बारिश का मौसम है, पार्थ है साथ में, और अगर बारिश तेज आ गई तो हमारे पास मतलब कुछ है नहीं रेनकोट और पार्थ को कवर करने के लिए। सो वैसे मैं जाता हूँ हर शनिवार मंगलवार, बट आज नहीं जा पाऊँगा। सो यहीं से ही आप किसी के मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि दो दो हनुमान जी के मंदिर क्यों? तो वैसे मैं हमेशा यहीं आता था जोरासी मंदिर, बट मैंने रूम वाले मंदिर पे भी जाना चालू कर दिया। अब तो भगवान जब बुद्धि घुमा दे से मतलब
भगवान जब अपनी तरफ आकर्षित कर ले तभी से चालू हो जाता है, तो मैं वहाँ पे भी जाता हूँ बट आज नहीं जा पा रहा हूँ अनफॉर्चुनेटली, तो मैं यहीं से उनको नमन कर लेता हूँ। मौसम के मिजाज को देखते हुए आज गर्मा गर्म आलू के पराठे विद टमाटर की मीठी वाली लौंजी चटनी और विद मेयोनीज। तो लास्ट शॉट जो आपने देखा था वो मैं मंदिर में था, उसके बाद मैं घर आया, खाना खाया, शॉप गया, अब मैं दोबारा वापस घर जा रहा हूँ, पापा पहुँच गए शॉप पे। बेसिकली ये मेरे जिम जाने का टाइम है बट मैं अभी जिम नहीं जा रहा हूँ बिकॉज मेरे को बैक में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। एक दिन मैं जिम गया था तो उस दिन थोड़ा बैक पे ज़्यादा वेट लेके मैंने कोशिश की बट नस खिंच गई, जिस वजह से अभी जिम बंद चल रही है। हेलो फ्रेंड, राइट नाउ इट्स 7:00 इन द इवनिंग और मैं 4 बजे सोया था और उसके बाद पावर कट हो गया था, तो मैं उसके बाद इस झूले पैक के अंदर लेट गया था। प्रियंका बता रही है उसने मेरे को रिकॉर्डिंग की है मेरी, तो मैं छोटा सा क्लिप उसका भी डाल दूँगा। सो अब मैं दुकान जा रहा हूँ और उसके बाद बस दुकान जाके दुकान से वापस आके वीडियो एंड कर देंगे। सो बहुत बहुत शानदार नींद आई, मेरे को पता भी नहीं चला। पापा आए दुकान से तब उन्होंने मेरे को उठाया 7 बजे, मैं कभी इतना लेट नहीं होता दुकान जाने के लिए बट आज इस जो झूला है उसमें बहुत शानदार नींद आई, बहुत शानदार। ये देखिए छोटा सा बेबी सो रहा है, चुपके से वीडियो बनाते हैं। नहीं बेटा अभी तो यही बेबी है, ये बड़ा बच्चा, इसे सोने भी नहीं मिल पा रहा झूले में। सो हम आ गए अपनी फेवरेट लोकेशन फिर से दुकान पे और मैंने वो छोटी सी क्लिप डाल दी है जो प्रियंका ने बनाई थी जब मैं झूले पे सो रहा था, झूला स्विंग हो रहा था और मैं सो रहा था बिकॉज ऑफ पावर कट। और आज यहाँ पे इतना लंबा पावर कट हुआ है कि कल रात में लाइट आई थिंक 11 अराउंड 12 के समथिंग गई थी और आज दोपहर में आई है लाइट, तो आप समझ सकते हैं कितना लंबा पावर कट था, सारे इन्वर्टर बैटरी वगैरह सब ठप हो गए थे घर की दुकान के। तो जैसे ही मैं सोया दोबारा जब लाइट आई और जैसे ही मैं सोया दोबारा उसके 15 मिनट बाद फिर पावर कट हो गया, उसके बाद मैं उठ के उस झूले पे जाने को मजबूर हुआ कि मेरे को बहुत तेज आधा घंटे में इतनी नींद चढ़ गई थी कि मेरे को वहाँ जाके सोना पड़ा और सोते सोते मेरे को इतना भी होश नहीं रहा कि कब 3 घंटे निकल गए और पापा आ गए घर पे, जो कि बहुत कम होता है कि मैं घर पे रहूं और मतलब हम दोनों साथ में घर पे रहें। हाँ दुकान बढ़ने के बाद और दुकान खोलने से पहले हम दोनों साथ में रहते हैं बस जब दुकान खुल जाती है उसके बाद एक ना एक अल्टरनेटिव चलता रहता है। सो बड़ा मज़ा आया उसको सोने पर, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो वो जो मैंने स्विंग वाली बिल्कुल छोटी सी क्लिप डाली है आप उस पर अपना एक कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी, एंड अगर आप चैनल पर नए हैं और वीडियो मेरा पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएं। और इसी के साथ अब वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया है, सो अपने आसपास सफाई रखें और अपने आप को बीमार होने से बचाएं बिकॉज आजकल वायरल और फीवर वाला वायरल फैल रहा है। बिकॉज ऑफ नॉलेज मुझे इन सबसे है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं इतने सारे मेडिसिन। सो इस वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया है, मिलते हैं अगले में, सी यू नेक्स्ट वन, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।